ठीक है, यहाँ पे दो। ओके, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आर दे कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी और बाइलिंगुअल? बाइलिंगुअल रहे मैम तो अच्छा है, क्योंकि ओके, हमारे साथ 10 स्टेट्स जुड़े हुए हैं अभी, जिस पे कि हाँ 8 स्टेट्स हैं, तो हम बाइलिंगुअल बात करेंगे। ओके, सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट, जैसे मैंने कहा कुछ केमिस्ट्री के टूल, केमिस्ट्री एज अ केमिस्ट्री टीचर वी शुड, वी ऑल नो अबाउट द नेचर ऑफ सब्जेक्ट केमिस्ट्री, एंड उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट इज द नीड ऑफ डेवलपिंग ई कंटेंट फॉर केमिस्ट्री, उसके लिए हम बात करेंगे। देन कुछ ऑनलाइन या OERs अवेलेबल है केमिस्ट्री के लिए, हाउ वी कैन एक्सेस दैट OERs और उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन द क्लासरूम। देन विल टेल सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर और द ऑनलाइन टूल्स विच यू कैन डाउनलोड, फ्री सॉफ्टवेयर है तो उनको डाउनलोड करके भी हम यूज कर सकते हैं। कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। माय स्क्रीन विजिबल? यस यस मैम, इट्स विजिबल। मैम। सो टॉकिंग अबाउट लाइक इफ एज अ केमिस्ट्री टीचर, क्योंकि मैंने स्कूल में भी पढ़ाया है, बीएड कॉलेज में पढ़ाया है जहाँ पे पेडागॉजी ऑफ केमिस्ट्री भी करा है, देन वर्किंग इन द एरिया ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे जो भी हमारे टूल्स हैं, चाहे वो जेनरिक हो चाहे सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, उस पर किस तरीके से ही कंटेंट बनाना चाहिए और उसका है उसका क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज साइंस टीचर वी ऑल नो द नेचर ऑफ साइंस, जिसमें हम बोलते हैं साइंस एक डायनेमिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसे हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं, खुद भी सीख सकते हैं, व्हेन आर सम स्किल्स लाइक ऑब्जर्वेशन स्किल्स और इंक्वायरी वाली स्किल्स हमारे अंदर हो। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग कहते हैं जब वो बायोलॉजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज का भी पार्ट है एंड फिजिकल साइंसेज का भी पार्ट है, तो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जो फॉलो होती है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट सबके पास रहेगा, चाहे वो ग्रुप मतलब BSc ऑनर्स कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स मैथ्स बायो और केमिस्ट्री सब्जेक्ट उनके पास जरूर रहता है। तो उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के नेचर की अगर स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री डील्स विद द, हम बोलते हैं सिंपल कि हम सबसे पहले एटम की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, देन किस तरीके से पूरे जो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हो रही हैं, वेदर आई एम सिटिंग इन अ लैब और कोई प्रोसेस हो रहा है, सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बायो भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को ये बताने की या समझाने की जरूरत है कि अगर मैं स्टेबल बैठी हूँ, ये भी एक मैटर है, हम लोग क्लास में बताते भी हैं, और ये एटम से बना हुआ है हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स को हमें क्यूरियस करना है, वो ये जान और समझ पाए कि इन देयर स्पेस अराउंड देमसेल्फ एवरीवेयर इज केमिस्ट्री। और हम किचन केमिस्ट्री की बहुत कॉमनली बात करते थे कि सबसे पहले कुछ रिएक्शन होते हुए अगर बच्चा देखता है तो वो घर में ही देखता है, अगर उसको लैब का एक्सपोजर नहीं है तो वो सिंपल से सिंपल कुछ भी किचन में अगर देख रहा है, मम्मी खाना कैसे बना रही है, कोई कलर चेंज होता है, तो वो सब कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन वहीं से शुरू होती है। तो व्हेनेवर वी आर टीचिंग केमिस्ट्री, तो हमें उसको उस ऑब्जर्वेशन स्किल और इंक्वायरी ड्रिवन अप्रोच फॉलो करके ही उसे उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली पढ़ाना चाहिए। और केमिस्ट्री इस चीज में और कहीं केमिस्ट्री की जब बात आती है तो व्हेन टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो सबसे पहले केमिस्ट्री लैब याद आती है, क्योंकि हम शायद बायो भी, क्योंकि हम लोग अब स्पेसिमेंस को हम वो डिसेक्ट नहीं कर सकते, तो बायो की लैब में भी हम अब तक स्लाइड्स देख रहे हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स भी हमें, अगर लैब सबके लिए जरूरत है बट फिर भी अगर लैब में जाके फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कुछ और लैब के बिना भी हम परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, बट जब केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री लैब। नो डाउट टेक्नोलॉजी, उस जो हमारी 5 सेंसेस काम करती हैं जिसमें टच और स्मेल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, वो टेक्नोलॉजी से मिस आउट होती है। सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी का केमिस्ट्री टीचिंग में यही है। तो वो जो हम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, सोपी टच की बात करते हैं, सिंपल बेसिक इन नेचर होना और स्मेल की, वो सब नहीं हो पाएगा टेक्नोलॉजी में, एंड इन द कमिंग ईयर इन द फ्यूचर टू वो डेफिनेटली मिस रहेगा। बट उसके अलावा जब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, लाइक केमिस्ट्री को अगर हम बोल रहे हैं कंटेंट डेवलपमेंट में, तो वो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग को डेफिनेटली सप्लीमेंट करेगा, और अगर हम कुछ ई कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं तो वो फ्यूचर के लिए यूज होगा फॉर लॉन्ग टाइम। इसको थोड़ा थोड़ा अपडेट करेंगे हम लोग, क्योंकि जो केमिस्ट्री कोई भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है
वो चेंज होएगा, बट ऐसा नहीं कि पूरा उसका बेस चेंज होएगा. तो वो एक बार ही बन गया, आपको कोई कॉन्सेप्ट के लिए आपने कोई कंटेंट बनाया, वो आपका बन गया, देन इट इज सिंपल एंड क्विक टू यूज इन योर फ्यूचर क्लासरूम्स. साथ साथ कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, सपोज आई जस्ट रिमेम्बर एक बच्चे ने बोला कि मैम आप एटम कह रहे हैं तो हर चीज में एटम है, तो इस टेबल में, वॉल पे, हर चीज पे एटम है क्या? आई सेड यस. तो वो एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज होते हैं, जो हम बात करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा थ्री डायमेंशनल स्पेस में, हम SPDF ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, वो सब कैसे विजुअलाइज होंगे, जो कि हम जब हम कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में हम बॉल एंड स्टिक मॉडल यूज करते हैं, तो वो सब उसको विजुअलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा और उसको एक्सप्लेन करना होता है इजी हो जाएगा और उसी से डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी. एंड जो हमारे स्कूल्स में अभी भी बहुत जगह लैब नहीं है, और अगर लैब है तो उसका यूजेज अप टू 10th तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग करते हैं. 11th 12th में जाके फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब हो गए हैं, स्ट्रीम ले लिया साइंस, तब उनको लैब का एक्सपोजर मिलता है. उससे पहले अगर हमारे पास लैब को एक्सेस करने की एज अ टीचर फैसिलिटी नहीं है, या बहुत जगह ऐसे ना संभाल के रखते हैं लैब में नहीं जाने देना बच्चों को, ग्लास एपरेटस वो तोड़ देंगे, तो उस जगह वहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूजेस हो सकता है, क्योंकि उनको पता नहीं व्हाट आर द नेम्स ऑफ दैट ग्लास एपरेटस एंड उसको किस तरीके से यूज करना है, किसका क्या पर्टिकुलर पर्पज है. लैब की जो बेसिक हम लोग सेफ्टी गाइडलाइंस बनाते हैं वो सब कुछ, तो उसको हम एक्सपोज कर सकते हैं प्रिलिमिनरी, और उसके बाद जब वो एक्चुअल लैब में जाएगा तो वहां पे उसको इजी हो जाएगा वो यूज करने के लिए, तो वहां पे उसका बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है टेक्नोलॉजी का. साथ साथ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, इमर्सिव टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, सिमुलेशन, ये हम बहुत अच्छे से बच्चों को थ्रू टेक्नोलॉजी बता सकते हैं. एंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन ऐसे होती है जो कि कुछ डेंजरस होती है, जब हम लगता है स्कूल में हम लोग बच्चों को अगर लैब में दे हमने समझा दिया, बट इफ अ टीचर इज इन नॉट इन द लैब एंड लेबोरेटरी जो असिस्टेंट अगर वो भी नहीं है एंड अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एनी एक्सपेरिमेंट जो हैजार्डस हो गया, लाइक सबसे पहले बच्चे आई स्टिल रिमेम्बर हमारी क्लास में जब सोडियम को वो सिंक में डाल के जरूर देखते हैं पानी में डाल के कि कैसे वो उनको फन आता है, उनको मजा आता है, और कोई भी कोई हार्मफुल केमिकल अगर पहले से ही उन्होंने मिक्स कर दिया कुछ भी स्ट्रॉन्ग एसिड या एनीथिंग, तो वो तभी उनको नुकसान पहुंचा सकता है. मुझे याद है मेरे ऊपर भी सिल्वर नाइट्रेट के जब वो बड़ा था तो ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे, आपके स्किन पे स्पॉट्स आ जाते हैं, तो उस वक्त मुझे अवेयर नहीं कराया गया था, तो आई मेट विद एन स्मॉल काइंड ऑफ एक्सीडेंट ओनली. सो उन चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करने के लिए केमिस्ट्री के लिए ई कंटेंट डेवलपमेंट और केमिस्ट्री में टेक्नोलॉजी का यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ ई कंटेंट, जिसमें से आपके प्रीवियस सेशंस हो चुके हैं, इन्फोग्राफिक्स के पे हो चुका है आपका, स्टॉप मोशन वीडियो में हो चुका है आपका एक्सपेरिमेंट, स्टॉप मोशन के ऊपर हो चुका है जस्ट लाइक दिस, तो उसमें कुछ सेशंस आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, वीडियो कंटेंट डेवलप करना, ऑडियो कंटेंट डेवलप करना, इन्फोग्राफिक्स, इंटरक्टिव्स के लिए H5P का यूजेज आपको बताया जा चुका है. ये सब जेनरिक सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं जो कि आपको ई कंटेंट डेवलपमेंट में, सर नॉट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स के लिए यूज किए जा सकते हैं, तो उसको डिटेल में अगेन नहीं जाएंगे उन सॉफ्टवेयर पे, जैसे एग्जाम्पल्स मैंने जस्ट कोड किए थे, तो आप इनका यूजेज आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आप जस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर से आप किस तरह से कोई केमिस्ट्री का माइंड मैप बना सकते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम अनदर सोर्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइक कैनवा के थ्रू आपने कोई अगर इन्फोग्राफिक बनाया या इजीली के थ्रू कुछ इन्फोग्राफिक बनाया, तो वो बहुत अच्छा यूजफुल रहता है केमिस्ट्री का ई कंटेंट क्रिएशन टूल. एंड इफ यू फर्दर टॉक अबाउट व्हाट आर द कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, विच सम ऑफ द कंटेंट यू कैन यूज फॉर फ्री, लाइक वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंडर है, तो यू कैन डाउनलोड द प्रिपेयर्ड कंटेंट, जिसमें दीक्षा एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, और आप में से हो सकता है कई टीचर्स ने ई कंटेंट बना के कॉन्ट्रीब्यूट भी किया हो, एंड ये वाली वर्कशॉप भी उसी के लिए है जिसमें आपको कंटेंट क्रिएशन सिखाया जा रहा है, ताकि आप लोग इन फ्यूचर एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रीब्यूट कर सके. एंड वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ दीज काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड द वर्कशॉप इज दैट वी हैव अ लैक ऑफ कंटेंट इन द रीजनल लैंग्वेजेस. तो अभी जब मल्टीलिंगुइज्म की बात हम कर रहे हैं निपी में, तो वहाँ पे उस रीजनल लैंग्वेज का कंटेंट आप डिफरेंट स्टेट से आप ही बनाएंगे और आप ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी बच्चा उससे सीख पाएगा, और डैट विल बी अ ओपन एजुकेशन रिसोर्स फॉर ऑल. तो हम क्यों बाहर का कंटेंट लेके यूज करें जब अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. तो उसमें कुछ एग्जाम्पल, सपोज दीक्षा, दीक्षा में आपको ऑलरेडी वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, ISL का कंटेंट,
क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस सब कुछ अवेलेबल है। तो उसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे एक साइंस टेक्सटबुक का 10th का ही केमिकल रिएक्शन क्या है, तो इस तरह का वीडियो कंटेंट बनाना, बच्चों को आप लैब में नहीं लेके जा रहे, बट आप फ्री टाइम में, वेकेशंस में, कभी भी आप खुद अपने आप को वीडियो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेबोरेटरीज में। और मैं कहूंगी कि ठीक है, ऑलरेडी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, बट जब बच्चा अपनी ही टीचर को दिखता है रिकॉर्डिंग में, तो उसके साथ अगेन क्लासरूम, नॉर्मल फेस टू फेस क्लासरूम में नहीं है वो, बट अगर आपने वीडियो ऑनलाइन भी दी बच्चों को, तो वो उससे और उनको अच्छा लगेगा कि मेरी टीचर ने रिकॉर्ड किया, मैं अपनी टीचर की वीडियो देख रहा हूँ, और वो अगेन रीजनल लैंग्वेज में तो होगा तो और भी बेटर है। एंड वी टॉक अबाउट लाइक ऑडियो कंटेंट, तो ऑडियो कंटेंट भी अवेलेबल है सीआईटी की वेबसाइट पे ऑडियो बुक की फॉर्म में, तो दैट इज फॉर द लाइक विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें एक अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट द पॉडकास्ट फॉर दिस केमिस्ट्री प्रोग्राम्स, और कुछ कॉमिक्स, या हम कॉमिक फॉर्म में कुछ बना रहे हैं, चाहे वो विजुअल रिसोर्स है चाहे ऑडियो बना रहे हैं, तो हम एक इंटरेक्टिव वे में, लाइक दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक स्टोरी टेलिंग वे में उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो और इंटरेस्टिंग एक ऑडियो प्रोग्राम क्रिएट हो सकता है। तो मैं डेमो नहीं दिखा रही हूँ, आप यू कैन एक्सप्लोर ऑन सीआईटी वेबसाइट। नेक्स्ट कम्स अबाउट टू ओलैब। ओलैब के बारे में आई होप चर्चा हुई हो, नहीं तो मैं सिर्फ एक, ओलैब हमारा एक अगेन अमृता विश्वविद्यालय और सीआईटी ने एक दीक्षा वेबसाइट पे भी एक वर्चुअल लैब का वो बनाया है टैब, जिसमें आप ओलैब की एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते, देख सकते हो, उसमें सिमुलेशन अवेलेबल है। सो आई विल जस्ट डायरेक्टली गो टू द एक्टिविटी विच आई हैव जस्ट सेलेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट यू। सपोज ओ लैब में ऑल द साइंस सब्जेक्ट्स और मैथ्स एंड इंग्लिश, सोशल साइंस, सबका एक कंटेंट डेवलप है, एंड फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको थियरी, प्रोसीजर, एनिमेशन, सिमुलेटर, ये सब चीजें मिलेंगी। तो इसमें सब कुछ थियरी में टेक्स्ट हो गया, आपका टेक्सचुअल फॉर्म में हो गया, बट द बेस्ट पार्ट इज द सिमुलेटर एक्टिविटीज इन दिस प्लेटफॉर्म। सो अगर आप इसके सिमुलेशंस में जाएंगे, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी फिजिकल लेबोरेटरी एक्सेस टू द स्टूडेंट्स, तो आप उनको एक्टिविटी को वर्चुअल में, उनको सिमुलेटिव फॉर्म में आप बच्चा परफॉर्म कर सकता है। सो इज लाइक सिंपल एक्सपेरिमेंट ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हमें पता है कि आपको कोई भी एक जो रेड इंक और ब्लू इंक का मिक्सचर है, आप उसे अगर सेपरेट करना चाहते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग यू विल सेलेक्ट वॉट एवर यू आर वॉन्ट टू टेक। रेड और ब्लू इंक का मिक्सचर आपने लिया है, एंड आपका सॉल्यूबेंट जो रहेगा वो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रहेगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ यू वॉन्ट टू टेक अ हेल्प फर्स्ट टाइम, यू कैन टेक द हेल्प, कि आपको क्या क्या करना है इसमें। तो यहाँ पे इसमें लिखा है, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि जो कैपिलरी होगा आपका, उसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आइए, और उसके बाद उस कैपिलरी में वो रेड और ब्लू इंक आपकी, अब ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट होगी। देन यू कम बैक टू द क्रोमेटोग्राफी पेपर एंड पुट अ ड्रॉप ऑन दिस पेपर, तो यहाँ पे एक स्पॉट आएगा, देन यू ओपन द लिड ऑफ द जार एंड यू विल जस्ट ड्रैग द पेपर ओवर हेयर एंड क्लिप इट। तो अब बच्चे को अगर लैब में भी जाना है, तो उसको पता है कि मुझे क्या क्या परफॉर्म करना है, तो प्रीवियसली यू कैन आस्क देम कि आप ये सब इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। इससे इससे ये भी चीज हो सकती है, नो डाउट कि टीचर्स का टाइम भी सेव हो रहा है, एंड टीचर्स का डेमोन्स्ट्रेशन दोनों लैब में जरूरी है, बट अगर वो परफॉर्म करके पहले ही देख लेगा इसे सिमुलेशन फॉर्म में, देन वहां पर उसे पता है कि इसमें क्या होने वाला है, और कि यहाँ पे अब सेपरेट हो गया आपका रेड और ब्लू इंक एंड द टाइम इज ओवर, देन यू विल जस्ट क्लिक ऑन द शो, देन आप यू ओपन द लिड, द पेपर विल कम आउट एंड यू विल जस्ट क्लिक ऑन द शो स्केल एंड द स्केल इज कमिंग। इसमें आपको जूम अप करके दिख रहा है, एंड दे विल आस्क यू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सॉल्वेंट ने, यू कैन सी द बार हियर, 5 अगर है, आई एम राइटिंग डाउन 5, तो इट इज कमिंग आउट करेक्ट। अगर मैं इसमें 5.1 लिखती तो इनकरेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे बच्चा खुद वो देख रहा है अपनी स्केल को एंड उनकी ऑब्जर्वेशन को नोट आउट कर रहा है, एंड ऑटोमेटिकली द सॉफ्टवेयर इज गिविंग द फीडबैक वेदर ही और शी इज राइट और रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे उसकी जो हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स, की कैसे आपको रीडिंग्स देनी है लैब में, वो भी वो पहले से ही करके ट्राई कर सकता है। तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिसमें ओलैप में आपको इसके बारे में पता लगेगा, सिमुलेटेड एक्टिविटीज के बारे में। इफ यू गो टू द अनदर शॉर्ट वीडियोज लाइक टॉयज फ्रॉम ट्रैश, जो कि अरविंद गुप्ता जी हमारे बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था और इस वेबसाइट को बनाया, इन्होंने लाइक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम कुछ बच्चों से बनवाते हैं, तो यूजिंग द सिंपल हाउस होल्ड थिंग्स हाउ यू कैन परफॉर्म द सिंपल कंसेप्चुअल एक्सपेरिमेंट्स साइंस के, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज एंड टेक्स्ट बुक्स इसमें अवेलेबल है,
जो बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक है लाइक हिस्ट्री ऑफ साइंस में, कि आपको पता रहे कि उस वक्त कैसी लैब होती थी, क्या क्या एपरेटस यूज होता था, तो वैसी वाली पुरानी बुक्स की भी बहुत कलेक्शन है, तो वो भी आप बच्चों को रीड करने के लिए दे सकते हैं टू मेक देम क्रिएट द इंटरेस्ट इन द साइंस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ एक जस्ट एन एग्जाम्पल अगेन आई हैव टेकन कि दीक्षा वेबसाइट पे ही, आई होप इट इज, एक सिंपल एग्जाम्पल ये केमिस्ट्री का मैंने, जिसमें एक सिल्वर ट्री बनाना है, तो इस ये अरविंद गुप्ता टॉयज डॉट कॉम पे भी सारी वीडियोस हैं, और साथ साथ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है अंडर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ऑल द कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू दीक्षा एंड एनसीईआरटी। Here is another experiment to do with fun with chemistry. You will require silver nitrate solution, thick nitrate solution. You will soon find that there would be a deposit of silver on top of the rod. So you can see here, एक सिंपल एक्टिविटी, ठीक है, उसके लिए उनके पास अगर जो भी एपरेटस और अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उस सिंपल से केमिस्ट्री की एक्टिविटीज को स्टूडेंट्स को घर पे परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं जो उनके पास है, और यूजली वी डू भी, हम एसिड बेस के लिए हम लोग उनको बोलते हैं कि हम लोग वी गिव द स्टूडेंट्स लिटमस पेपर और पीएच पेपर एंड आस्क देम टू टेस्ट द स्मॉल थिंग्स एट देयर होम, तो वो घर पे जाके सोप को टच करते हैं, देन किसी और चीज को उसमें डिप करके देखेंगे, देन दे चेक आउट द कलर चेंज, और वो स्मॉल स्मॉल केमिस्ट्री की चीजें वो घर पे भी करते हैं। अगेन एन एग्जांपल आई विल लाइक टू कोट हियर, व्हेन आई वाज अ टीचिंग इन अ बीएड कॉलेज एंड स्टूडेंट्स को हमने मल्टीमीडिया लेसन प्लान उस टाइम पे होता था, देन उन्होंने अपनी खुद की वीडियोस बनाई थी, चाहे वो सिंपल फ्रैक्शन का भी हो, तो वो उन्होंने पेपर को किस तरीके से रब करके देखा, चाहे स्टैटिक चार्ज की बात हो, लाइक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक मेटल और नॉन मेटल कंसेप्ट के लिए, द स्टूडेंट्स सैट इन द किचन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिया घर पे, एंड जो उसका सोनरस है या उसका हम लोग बोलते हैं आवाज के लिए, उसने उसमें बीट करके अलग अलग देखा किस तरह से साउंड वेरी कर रहा है, तो उसने अपने आप को उस वीडियो में कैप्चर किया और उस लेसन में इंक्लूड किया। तो इन अ सिमिलर वे वी कैन आस्क आवर स्टूडेंट्स टू डू द सिमिलर थिंग्स एट होम, और उनकी क्रिएटिविटी उन वीडियो कंटेंट को वी कैन यूज दैट, मतलब डेफिनेटली हाँ उनको हम बोलेंगे कि आपका वीडियो हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर शेयर कर रहे हैं, बट ये नहीं कि हर एक वीडियो या हर एक कंटेंट में हमें एज अ टीचर हमारा ही चेहरा है, हम उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए स्टूडेंट की ही वीडियो कंटेंट उनसे डेवलप करा सकते हैं। इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी जो ई कंटेंट से थोड़ा सा अलग है, जिसमें हम गेमिंग फॉर्म में या स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन के थ्रू भी हम साइंस टीचिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ कोई अगर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग डिफरेंट जो एलिमेंट्स होंगे उनके ओपन प्ले ग्राउंड में, हम कहते हैं वो फिजिकल वर्क भी होगा, तो किस तरीके से हम कोई खो खो खेल रहे हैं, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान करे सपोज, और उसमें कोई बच्चों को ही हम कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स उनके पेपर लगा के हम लोग उनको उनके ऊपर पेस्ट कर दे लाइक ऑन द बैक ऑफ दैट, और कोई भी हम केमिकल रिएक्शन दिखाना चाहते हैं कि अगर वो उसको जाके कैच करेगा देन दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है, तो उसको करना जरूरी है, तो उस तरीके के आइडियाज को भी हम सोच सकते हैं कि हम कहेंगे हम क्लास में नहीं बैठे, हम टेक्नोलॉजी में सिर्फ कंप्यूटर के आगे नहीं बैठे हैं, हम फिजिकल एक्सरसाइजेस के फॉर्म में भी साइंस टीचिंग कर रहे हैं स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन के थ्रू, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। देन वी कम टू द फिट सिमुलेशन, दिस इज अ मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय कोलोराडो यूनिवर्सिटी, एंड अगेन ओ लैब में भी सिमुलेशन है, बट इनकी सिमुलेशन और भी मैं बेटर नहीं कहूँगी, बट इसमें एक गेमिंग ऑप्शन भी है, तो हम गेमिफिकेशन जब बोलते हैं तो सिमुलेशन, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया ओ लैब का, बट यहाँ पे एक सपोज आपको एक गेम खेलना है बच्चों को, तो हाउ टू फॉर्म एन एटम, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक डेमोन्स्ट्रेशन है, आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है, यू कैन ओपन दिस वन, इसमें नेट चार्ज और आपका मास नंबर दिखना है, और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे एलिमेंट न्यूट्रल और स्टेबल और अनस्टेबल, इसको भी हम चेक इन कर लेंगे, एंड यू हैव आपके पास एक एटम आपको फॉर्म करना है, सपोज वी हैव टू फॉर्म एन एटम, तो हमारे पास ये प्रोटोन है, न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यू हैव टू पुट इन द न्यूक्लियस प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, एंड मुझे अगर हाइड्रोजन में अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन है डाल दिया इन द फर्स्ट शेल एस ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल एटम हो गया, बट इफ आई ट्राई टू एड वन मोर इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल, देन इट विल इट मेक्स इन टू बी आयन, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है,
ठीक है, और अगर मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ तो एक स्टेज आएगी जहां पे ये अनस्टेबल भी हो जाएगा और वो बताएगा कि अनस्टेबल हो गया है। तो इट स्टेबल और अनस्टेबल जितने आयंस फॉर्म हो रहे हैं बता रहे हैं कि -3 हो गया आपका। तो उसी तरीके से अगर मुझे कोई और एलिमेंट फॉर्म करना है तो नाउ आई हैव एडेड वन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस एंड इट इज कमिंग आउट टू बी अनस्टेबल, तो मुझे इसको मूव बैक करना पड़ेगा। तो इन दिस फॉर्म किस तरीके से कोई एटम स्टेबल या अनस्टेबल है उसको भी हम खुद बच्चे टेस्ट करेंगे तो उनको पता रहेगा, याद रहेगा, रादर देन राइटिंग डाउन ऑन अ बोर्ड कि हमारे पास हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक नंबर है, इतना मास नंबर रहना चाहिए, स्टेबल होता है, बस उनको याद करते हैं। बट इसमें खुद देखेगा और अगेन विजुअल प्रेजेंटेशन से उसको याद रहती है। हाँ, इन सिमिलर में एक और भी हम साथ साथ ही आपको दिखाती हूँ, एक और वेबसाइट है नोवा विच आई फाउंड आउट बिकॉज वेन एवर वी आर कॉल्ड फॉर द सेशन वी ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर वेदर समथिंग न्यू इज कमिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी अपडेशन होता है तो हमें भी एक अपने आप को अपडेट करना पड़ता है कि कौन सी नई चीज आई है। तो यहाँ पे भी ना उसे सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज देयर गेमिफिकेशन की फॉर्म में, यू जस्ट स्टार्ट द एक्टिविटी। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, उसमें फिर ऑडियो आएगा आपको मेरी बात नहीं सुनेगी। तो वेन यू स्टार्ट द एक्टिविटी इसमें दो तीन ऑप्शंस आएंगे। सपोज एक तो इसी तरीके से आपको कोई एटम बिल्ड करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप ऐसे ही पिक करके डालते रहेंगे। दिस एक्टिविटी ऑन दिस वेबसाइट इज कमिंग विद अ साउंड, तो उसमें जूम जूम बूम बूम करके आवाजें आएंगी तो अनस्टेबल होगा तो बर्स्ट आउट होगा, तो वो साउंड जो है उससे बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है कि फन लगेगा वो गेम खेलते हुए बच्चों को। उसके बाद एक और एक्टिविटी है जिसमें एक सपोज कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, बनाना, टी शर्ट और एनीथिंग, यू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट देन इट विल गिव यू एक उसका मॉलिकुलर पूरा फॉर्मूला, मतलब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर आएगा और उसमें ये बताया जाएगा। सपोज उसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में अगर मैंने बनाना सेलेक्ट किया तो बनाना इज ग्लूकोज C6H12O6, तो उसमें तो यस यू वांट समवन वांट टू से ये समथिंग। खेल होगा ना, खेल सरनाम होगा। पहले पढ़ो तो ठीक से, इतना मार के सब लोग मैम आई थिंक योर माइक इज अनम्यूट। नंबर क्यों? हाँ, यह सदा सत्य क्या होता है? हमें सदा सत्य क्या? हेलो, मैंने चाकरी तो पे तो बट अच्छा, और किसमें क्या क्या गलत है? देखो उसमें सब गलत, इलाज भी गलत है। हेलो, मैम योर माइक इज अनम्यूट, सो काइंडली म्यूट द ओके। सो इन दिस एक्टिविटी अगेन द बनाना, आई एम टेकिंग द एग्जांपल, यू हैव टू इफ यू सेलेक्ट द बनाना तो इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज लाइक C6H12O6, सो दिस विल गिव यू द ऑप्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स एंड यू हैव टू फिक्स दोज पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स इन टू दैट कंप्लीट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। तो वेन यू कंप्लीट द एक्टिविटी यू विल गेट द स्कोर एंड इट विल टेल यू वेदर यू आर रॉन्ग और राइट। सो आई जस्ट नॉट गोइंग टू डिटेल दिस शो वंस। While it is opening for this activity, you have to first of all form the atom of carbon. Like there is an internet issue or something. So for this act, you can explore this activity. I will say I have to wait. Okay, I'm just exiting the page. Otherwise, system will be hung and like too much tabs are open. So this NOVA is also a gamification technique for explaining about the molecular structure and the how to create and how many number of proton, neutron or electron are present in a particular atom. So later on GoLab is also again the same way simulation activity. I'm not demonstrating all the, but just this PPT will already be shared with you and you can explore that things. So coming on to some more, Nova I have already told, I will show you once more. Concord.
Again, in this, the gamification, you have to particularly again the particle view of a gas. So how in with what kind of movement a particular particle moves? So you can just begin the activity and you can see the movement of the particles, particles of a gas. So you can again, it's a kind of gamification. I've selected one of the activity. And if we talk about another website or the another source of chemistry is labexchange.org. Okay, so to accept the cookies, take this is created by Harvard University, and here you can find out many of the type many resources, so subject wise. So I have just opted for a conductivity of solution, a simple video experiment. And just remember, like these are all copyrighted only. The licenses of Lab Exchange, but for educational purpose, you can use them. These are not under Creative Commons license. For demonstration, you can use that. And the different kind of videos, interactive content, simulations are also available on this website. If we go to the another link, Smith Johnson, Smithsonian. Again, here as a teacher, you can contribute your content. And you want to discover, first of all, what type of contents are available. You can discover, then you can create and share. So again, a big library over here, and you can find out the resources again for all the science subjects. And the best thing is that the content is under again Creative Commons license here, and you can reuse, you can use this content whether in the images form, the video, or any kind of e-content, whatever they have for the particular subject. You can reuse, remix that content. So this is okay. This is also an OER. And if I talk about Chem Collective, you can see again the chemistry different topics are themes are given here. So if you talk about acid-base solution problems, I can just go here and I found out this website to be very interesting because here we have a virtual lab. I have selected the option of acid-base chemistry. Like in the physical laboratory, you find out a stock room. In the virtual laboratory, there is also a stock room containing of solution, the glassware, and the tools. So what you have to do if you just have to perform a simple experiment of titration, you can say. So I am just having this strong acid provided with the molarity of the particular solution. I will just select and it will come here. And again, you can see the detail of the particular chemical which you have selected. Going back to the again stock room, if you want to again, you glassware you require for your performing experiment, you can just select the conical glass and the conical glass will come here. So you select the objects like in a chemistry lab, you get the material, the apparatus issued from the laboratory assistant. The similarly, you can select your own material from the stock room, whatever apparatus you require. It's like I want to take out the pipette, I can get the pipette here. And again, coming back to the stock room, I want for simple titration, if I want a burette, you can select the burette too. I'm just selecting volumetric flask, beakers, pipettes. Okay, so here just I'm giving you example once. I will just find out the pipette here. Suppose in solution, I have to take the indicator too. I have taken indicator. So arranging all the materials on your virtual laboratory or the workbench. Suppose I have to start the experiment, I have to suck out the solution of. I've taken it wrong actually. So you just drop your pipette here over STL, and how much content or how much STL you have to take out from the conical flask, you just select. And if I am taking out 2 ml, so I have to withdraw it. So automatically the pipette take out the 2 ml of HCl. So I withdraw and just cross it. And in the empty beaker, I have to pour this HCl. I will again come here.
It has taken out on just to arrange my. Okay. Take notes of this 10 ml withdraw. Okay. And coming here, I will just pour it. And how much I have to pour it? I have to pour it all 10 ml. I will pour it here. The solution comes in my another conical, empty conical flask. I will add the methyl orange if I want to add it here. I am taking the random example. So again, adding the again, how much indicator I have to add. I will pour it in the indicator and the color change you can see. So also color change can also be observed. And if I am doing the titration, I have to select the burette and put the solution in the same way and keep the beaker below the burette and open the burette, then slowly moving the how much like 1 ml or point something ml I will draw from the burette and the color change can be observed. So simple laboratory experiment. If I want to perform, I can perform in the virtual laboratory. This is more like a simulation only, but here I have to select my own glass apparatus and the chemicals and solutions. So this also give me the exposure of like how I have to select everything and how much like normality is also given for the solutions, and the students can even calculate. So this is a very good virtual lab. Again, coming back to my presentation here, what other examples are left? Just close down the otherwise it's just. Fine. So okay, and can think I have okay, can think I have forgot to open another can think. Another example is again because these most of the websites are providing the facility like using the content virtually or the simulation, you can use it anytime. So here this is again a gamification. Welcome to ChemThing. Just they're asking my name. I am putting Dipti. Okay. Behavior of gases, I have selected one of the activity. So they're asking me go to the tutorial. You see, behavior of gases, this is explaining about me the tutorial. And so moving forward, I can see like how particular like the gases will behave to study the behavior. So if I add here one atom of helium is coming. If I add more, two atoms are coming. And a thermometer is coming. If I increase the temperature, the movement will get faster. So this is the behavior of gases when I'm increasing the temperature. And if I want to add some more atoms and change, see the changes, then I can do that. And later on, my simulation is off and they are asking me the question. The speed of the atom depends on the temperature, true or false. True. A good job. Again, this is a kind of self-assessment too, and a simulation activity too, and a gamification too. So, again, student, observe what is happening, not in the laboratory. This cannot be done. How can a student observe a gaseous particle, movement of gaseous particle in a laboratory, the speed, how it is varying? The observation is very like difficult to in the physical lab, but this simulation activity has provided this feature. So technology has given us the facility. So this ChemThing is a tool in which small of all the some science subjects are available, and you can ask the students to perform it before coming to the class. Again, the next one is the mobile labs. There are mobile labs which I found out, few of the mobile labs. They are free to download and use. And for studying the periodic table, P table is the app. Periodic table is another app. The feature of this app is to learn about the elements, fine, and their every characteristics. A good thing is that if you click on any element on this periodic table, associated video is also coming. And the particular how that element is reacting, the common like in the nature.
And if you perform any experiment, the common experiments or the reactions of that particular experiment in the video tutorial is also shown in this app. So you can click on it and get everything about that particular element, how the particular elements look like, in which state it exists in the nature, how it reacts with the another important elements of the compounds. The reactions can also be seen. Another I found out the very good app is Beaker. And Beaker act as like your mobile phone will come after downloading and opening the app, your mobile phone will become a beaker. And you can perform a simple experiment, simple reactions in that particular beaker. So I will just demonstrate the app. I can see the different salts are here, the different chemicals are here. I'm just scrolling it in the my mobile screen. This is my mobile screen. And I have selected sodium metal. So I will just press on the sodium metal and it will drop down in the beaker. The sound effects are also coming. And we all know the reaction of sodium with water. It's a combustion reaction. So after this, I will select the water and add it in drop wise. And how the sodium react with water, the chemical reaction will be appearing on the screen. Another, this is Beaker app. So simple chemical reactions can be demonstrated through this app. And this app is free to use. Another video, I will be selecting the app about PME Vidya AR app. I hope you are all are aware of that app. Just okay. I've already made a short video for that actually. So in this, this activity helps learners to explain the particle nature of matter. This, if you haven't heard about this app. जैसे for example आपने कोई timeline बनानी है कि prime ministers की बोल दीजिए या कोई कोई जो हमारे पे इंडिया पे जितना राज हुआ उसके ऊपर आप कोई बनाने बना दीजिए तो उस तरह से आप कोई भी टाइमलाइन बना सकते हैं. मान लीजिए मैंने इसको एक हिंट दिया मुगल एरा. अब आप देखेंगे ये एनालाइज कर रहा है मेरे टॉपिक को, ऑनलाइन इसका कंटेंट ढूंढेगा और एक टाइमलाइन मुझे बना के देगा. अब एज ए टीचर को हमें वेरीफाई करना है कि क्या वो कंटेंट सही है. हम बिल्कुल ब्लाइंडली बना करके सीधा क्लास में उसे नहीं प्रेजेंट कर सकते. हमें उसको पहले वेरीफाई करना है, फिर ही हम उसको क्लास में लेकर के जाए. तो यहाँ इट विल टेक 2-3 मिनट्स टू क्रिएट योर टाइमलाइन. उसके बाद आपकी टाइमलाइन रेडी हो जाएगी. आप डायरेक्टली इसके माध्यम से ही सिखा सकते हैं क्योंकि इसकी बाकी चीजें जो है वो पेड है. बट क्योंकि अब AI से बनाने का जो फीचर था वो सिर्फ इसी टूल में था तो मैंने सोचा एक बार आपको जरूर सिखाऊं कि किस तरह से AI भी हमारी हेल्प कर सकता है. पर वो केवल उतनी ही हेल्प करेगा कि आपको नॉलेज कंपाइल करके दे देगा. वेरीफाई आपको करनी है क्योंकि वो कहाँ से नॉलेज ला रहा है हमें नहीं पता. वो सोर्स करेक्ट है या नहीं है, वेरीफाइबल है या नहीं है, तो आपको एक एक इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा. बेनिफिट सिर्फ इतना है कि जो टाइमलाइन बनाने में आपको शायद 2 दिन लगे वो आपको ये 5 मिनट में बना के दे देगा. पर आपको उस पर फिर भी आधा दिन एक दिन लगाना पड़ेगा कि आप उसकी पूरी रिव्यू करें, उसको चेक करें और तब उसको यूज करें. स्टार्टिंग में जो हमने टूल यूज किया था तब तक मैं उसकी बात कर लेती हूँ जब तक ये टाइमलाइन बना रहा है. वो था मेंटीमीटर जिसके ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और आपने आंसर दिया था. और वो आंसर जिस फॉर्म में आया था वो है वर्ड क्लाउड. ये जो था दिस इज कॉल्ड अ वर्ड क्लाउड. यहाँ पे जो सबसे रिपीटेड आंसर होगा वो सबसे बड़ा नजर आएगा. जो उससे कम नंबर ऑफ आंसर होंगे वो उससे छोटा नजर आएगा.
और बाकी देखिए सब मुझे लगता है वन टाइम वाले हैं क्योंकि सबका साइज सेम है। तो ये वर्ड क्लाउड अपने आप में डेटा को आपको एनालाइज करके दे रहा है कि कौन सा मोस्ट यूज आंसर है। तो आपको वो वाली चीज इस टाइप के जो एप्लीकेशन है आप उनको भी यूज कर सकते हैं। वर्ड क्लाउड एक ऑप्शन है, इसके अंदर आप एमसीक्यू कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, उस तरह की सारी एप्लीकेशन आप इस रिएक्शंस। तो केमस्केच इज अ सॉफ्टवेयर वेयर यू कैन राइट डाउन ऑल द केमिकल रिएक्शन बिकॉज इन अ डिजिटल फॉर्म। लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट एन ई टेक्स्ट फॉर द केमिस्ट्री देन इट इज डिफिकल्ट टू राइट रिएक्शन और द टाइप रिएक्शन इन द एमएस वर्ड फॉर्मेट। सो दिस केमस्केच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स यू दैट फैसिलिटी। लाइक इफ यू राइटिंग एनी ऑफ द इफ यू टेक एनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक बेंजीन इज अ कॉमन थिंग, ठीक है, यू कैन मेक इट इन थ्रू द एमएस वर्ड ऑप्शन। बट इफ यू आर राइटिंग आउट एनी कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर एंड जस्ट टू गेट अ एरो एंड रिएक्टेड और ओवर ऑन द एरोज देन इट इज डिफिकल्ट इन द वर्ड फॉर्मेट बिकॉज वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ द कर्सर मूवमेंट देन वी हैव टू मेक इट सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। सो दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स यू सो मच गुड फीचर्स and here you can visualize all the like if chemical like how lone pair bond pair then the orbital then the chair stoichiometry of the element then आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। तो आप इसका इस लाइक वीडियो ट्यूटोरियल इज अवेलेबल ऑन सीआईटी वेबसाइट टू। यू कैन एक्सप्लोर द सॉफ्टवेयर बट इट इज पेड नाउ बट 30 डेज ट्रायल इज फ्री। सो कमिंग ऑन टू द फ्री सॉफ्टवेयर these are the free Avogadro, Jmol, Calcium are free and this works in the offline too. Ptable you can also use offline version. This is I will not say free software but a very good software. So just Calcium I have shown you. Another is this ChemTube. Again I'll just show ChemTube also provides like how to visualize the molecular atomic orbitals. So if you want to show the students about a particular in the chemistry, like here, JSmol is coming and my next demonstration is on the JMol software only. So here the molecules are already built through the JMol software and has been uploaded on this website, ChemTube. And you can see they are interactive. And if you okay, and if you can see the controls, they also provide you the control like play once, stop the animation, make the animation like spin it or zoom it, all the symmetry of animation show the larger view. You can have a controls and you can view according to your choice. Another thing, as these molecules are has been created through the JMOL software, in the JMOL software, I will be demonstrating in the next part. The fee this toolbar is also available. So you can automatically as your like you can personalize your particular molecule here itself according to your wish. So you can do that too. Here the option toolbar is also coming. Fine. So this is all about this website is like for getting all more like in higher education it can have also used and for the school education too. The basic things like molecular atomic orbitals and the molecular orbitals. Explanation and for chemistry it is again to create whenever we are creating some e-content or the booklet e-text and the booklet we need some experimentation part to like to draw the beaker and all the things is difficult. So Chemix provides you the feature of drawing or the like using the tool to make the glass apparatus or any experimental manual or something in your e-text form. So you can see here different for chemistry, biophysics are different subjects too, and the heating measurement devices are also coming here. Coming into the chemistry part, you can see the different glass separators are coming. So here, suppose you can see it is interactive. If I want to remove the beaker, I can remove that. I can make the bench empty, and I can start. If I'm just want to select a tube, I can make a tube here. Okay, and there's again limitation of upgradation. Some features will not be working. But after creating any
If you I hop on to the amount of liquid I am increasing, and if I want to change the color of the liquid present in the test tube, I can do that too. Then after completing this one, you can download it in an image form, in the JPEG form. So this provides you to draw the apparatus of chemistry or any science subject, and you can create the e-textual form, your other manual, lab manual, or any activity. If you want to make these images as in worksheet for the assessment part, for the labeling, or ask the student something, you can do that too. So this is again for creating the, again, this is free. Some of the features are paid, but for free version, you can use it. Now coming on to the molecular development, molecular structure creation, a small software I'm demonstrating here. JMOL is to create the molecular structure of, it is an open source software. It can be used in any operating system, but to use this software, you need a Java application. So you need to update your Java in your system, or you have to download the Java in your computer system. And after creating the molecule, if you wish to upload in a website like I have shown you, then you need a JavaScript or a JSMOL file. It comes along with the JMOL software. And if you are somehow like know something about coding or scripting, you can upload your created molecules on your particular web page or the website. And again, in the similar way which earlier experiment, earlier S molecule I have shown you, S orbital, in a similar way that molecule will be uploaded on your website and the students can see it. So you can create the molecules and create your own website or upload it on your own website by having a JavaScript or some technical knowledge. If any computer person is known to you, they can help it with you. Again, and if you are not able to create your own molecule, you can find out the code of the protein data bank, and you just have to four digit code is available, and it can be uploaded in your JMOL molecule. I think time is coming short of time, so I'm just directly going to the JMOL software here. Here JMOL software here. The three basic steps for any software. First of all, you have to create a molecule. So here is the model kit menu icon is coming. You have to click in that, and automatically your methane molecules come. And you can see here, you can add any particular atom over here. Okay. If the second option shows that single, double bond, triple bond, and the last option have a option of minimization. Just remember, after creating any molecule, you just go to the minimization step here, and it will automatically take a natural shape of particular molecule. Right now, if I want to just see the molecule, how it looks like. So I have to exit the model kit menu coming out to here and exit model kit. And if I just scroll it, like zoom in, zoom out, and seeing the exact shape of the molecule, I can do that. It is complete software. You can change the background colors. You can add a particular atom. You can make a double bond, triple bond. Then you can find out the bond angles and bond lengths of the particular molecule. And after visualizing it and making changes, and I've shown you that the setting in that particular software, here you can see. You can see the different surfaces type. You can change the color of the atoms, bonds, and anything. You can change the style too. And you can spin the molecule. On carrying it, it will start ongoing spin. Okay, so whatever type of molecule you create here, and later on you want to save it, what you can do, last step after creating the molecule is just to save the molecule. You have to go to file, you have to export in the image form. So, and we know image form is automatically through the JPEG file. So I have to just select the JPEG file here and name the molecule and save it. So you have to follow the three steps for creating the molecule. Open the model kit menu here, and after clicking it here, it comes out to be ethane. Okay, if I want to check anywhere, I just simply clicking it out, and the bond is coming, and again, atom is
I can add the atoms and create the molecule. After creating, go to the minimization step, and then the last step you can save it. And these molecules can be later uploaded in an interactive way, like you have seen to moving, spinning, seeing the bond angle, bond length, and you can create your own web page or the website of the molecule. And I'm just telling you about the protein data bank. If you want to see the complex molecule of DNA, like you can get to PDB. You have to just type any the code of PDB available on the website, and it will, the molecule will come here. And you can ask the students to see that particular molecule, because you cannot create the complex molecules of your own. It takes much time. So one molecule by default already is coming. You can see these complex molecules. So besides using ball and stick models in your traditional classroom, you can use this virtual ball and stick, I will say, and see the molecules. I'm just closing it out because the time is, I think, ending. So you can, breakout room will be dissolved. So you can ask the questions. I'll stop sharing screen. I think, Gulshan ma'am, I'm on time. Yes, Deepthi ma'am. Thank you so much. Okay. So, hello, Deepthi ma'am. I would like to ask the participants if they have any query or any question, and or they want to discuss anything with the resource person. Yes. So it's open for discussion. The session is open for discussion. Thank you. Ma'am. Hello, Deepthi ma'am. Ma'am, there is a question.